नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह, TVL कोचिंग के मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सेकंड हिंदी पाठ 2, जिसका नाम है माँ माँ नामक पाठ के लेखक थे ईश्वर पेटलीकर। और इस चैप्टर में कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। आप देख सकते हैं, माँ नामक पाठ के लेखक थे ईश्वर पेटलीकर। और इस पाठ का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सवाल है, माँ नामक कहानी के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, माँ नामक कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी थे। माँ नामक कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म गुजरात में हुआ था। ईश्वर पेटलीकरण का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यदि आप इस कहानी को पढ़ते हैं, माँ नामक कहानी को आप पढ़ते हैं, तो यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगी। यह कहानी पूर्ण रूप से माँ की ममता पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सवाल है, खून के सगाई पाठ के लेखक कौन थे? तो खून के सगाई नामक पाठ के लेखक भी ईश्वर पेटलीकर जी थे। और माँ नामक कहानी के लेखक भी ईश्वर पेटलीकर जी ही थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मांगू किस कहानी की पात्र थी? मांगू जो है ना, माँ नामक कहानी की पात्र थी। और ये मांगू जो थी ना, एक थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा मतलब अपंग टाइप की एक लड़की थी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में मंगू की माँ की ममता का वर्णन किया गया है। मंगू बहुत बड़ी हो गई है, यहाँ तक कि वह टॉयलेट और पैखाना भी अपने वस्त्र में ही कर देती है। सब कुछ करवाना पड़ता है, नहाने धुलाने से सारा काम, खाना खिलाया भी जाता है, हाथ से तब खाती है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा पागल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी की प्रमुख पात्र जो है ना, मांगू है। माँ नामक कहानी जो है ना, मांगू के इधर गिधर ही घूमती है। मतलब मांगू ही इस कहानी में अधिकांश बार आई है। अगला प्रश्न है, मांगू कैसी लड़की थी? तो मांगू जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। मांगू जो थी ना, जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। अगला प्रश्न है, माँ नामक कहानी किस भाषा से रचित है? तो माँ नामक जो कहानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब लिखी गई थी ना, तो यह कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, माँ नामक कहानी को किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में कौन जन्म से पागल थी? तो मंगू। माँ नामक कहानी में जन्म से पागल कौन थी? तो मंगू। ये सवाल कई बार आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे सवाल को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में कौन बड़ी होकर पागल हो गई? तो मांगू की तरह ना, मांगू जो थी ना, बचपन से जन्मजात पागल थी। लेकिन माँ नामक कहानी में कुसुम नामक लड़की थी, जो कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, ये अचानक पागल हो गई। और पागल हो गई, 3-4 महीना के लिए ये पागलखाना में भर्ती हुई, लेकिन ये ठीक हो गई। तो मांगू की माँ को लगा ना कि जिस प्रकार कुसुम ठीक हो गई, मेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। तो वह अपनी माँ, अपनी बेटी को ना भर्ती कराना चाहती थी। कौन? माँ मांगू को भर्ती कराना चाहती थी। लेकिन कभी कभी उसका मन विचलित होता था कि कराएं कि नहीं कराएं। जितना हम सेवा मांगू की जितना हम सेवा मांगू की करते हैं, क्या कोई दूसरा उतना सेवा मांगू की कर पाएगा? यही सब बात उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी, ठीक है। इसलिए वो संकोच करती थी कि माँ मांगू को अस्पताल में भर्ती करे या ना करे। अगला प्रश्न है, मांगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। मतलब मांगू 12 वर्ष की हो गई थी, फिर भी टट्टी पैखाना मतलब वस्त्र में ही करती थी। अगला प्रश्न है, मांगू की माँ के कितने पुत्र थे? तो मांगू की माँ के 2 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। एक बेटी का ब्याह हो गया था, यही छोटी थी, थोड़ा सा पागल थी। अगला प्रश्न है, मांगू का पागल रोग कब से था? तो जन्म से। मांगू का पागलपन वाला जो बीमारी था, वो जन्म से ही था। अगला प्रश्न है, मांगू की माँ कितने संतानें थी? मांगू की माँ की कुल मिलाकर 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटी। एक बेटी का ब्याह हो गया था और 2 बेटा का भी विवाह हो गया था। सिर्फ छोटी मांगू थी जो पागल थी।
अगला प्रश्न है, कौन रात भर रोती रही? तो मंगू की माँ ना रात भर रोती रही, क्यों? क्योंकि ये मंगू को अस्पताल में भर्ती करके आ गई थी और ये बार बार सोच रही थी कि वहाँ पे अस्पताल में इसको ठीक से रखा गया होगा कि नहीं, यही सोच उसको खाई जा रही थी, जिसके कारण मंगू की माँ रात भर रो रही थी। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन क्या का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, जिनका विवाह हो गया था। ये पागल नहीं थी, याद रखिएगा, मंगू की बड़ी माँ बड़ी बहन का नाम मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। ओके, अगला प्रश्न है, कौन पैंट में ही टट्टी पैखाना कर देती थी? तो मंगू ना 12 वर्ष की आयु में आ गई थी, फिर भी अपने पैंट में ही टट्टी पैखाना कर दे रही थी, क्योंकि ये पागल हो गई थी। किस आयु में मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया? तो 14 वर्ष की जब मंगू हो गई तब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, पागलखाना के लोगों का स्वभाव कैसा था? तो व्यवहार कुशल, मतलब पागलखाने का लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मंगू की माँ ने किसको पत्र लिखा? तो अपने बेटे को। मंगू की माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा। इस तरह सेकेंड हिंदी का दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया, अब तीसरा पार्ट शुरू होगा। तो ऐसा ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, आपके लिए हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाएंगे, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।